हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीमा जिला के हनुमना थाना क्षेत्र से रही, जहां के एक ठैये गांव के रहने वाले दूठे सगा भाई नाबालिग आदिवासी किशोरी का अपने हवस के शिकार बनाई। अपने का बताई दी के घटना के बारे में ही जब पीड़िता अपने परिवार वाले का बताई तो सब मिल के थाना पहुँच के शिकायत दर्ज करवाई ही। जेखे बाद आरोपी के ऊपर धारा 376D और पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कई के दोनों आरोपी का गिरफ्तार कई के न्यायालय में भेज के उनका जेल में पठाई देन का हबै। घटना घटी है, हमारे साथ बलात्कार हुआ। क्या हुआ है बताइए पूरा घटना। यह घटना बाहर उठे थे हम किसान के लिए। हमें नहीं पता था ये मूर्त। कौन थे? मूर्त थे मैं पापा का थे मुकेश। एक बार हमारे मुँह चाप के रह गए। हमको ये बोलने के लिए कह रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। ये लोग हमें मारे मार के हमारे साथ बलात्कार किए। हाँ, एक आदिवासी बच्ची है, लगभग 17 साल 11 वर्ष के आसपास की उम्र उसकी, हनुमाना थाना क्षेत्र में। उसने कल रिपोर्ट लिखाई कि अपने परिजनों के साथ आके उसके पड़ोस में ही रहने वाला लड़का, जिससे उसका कुछ पर्चे वगैरह था, और उसके द्वारा और उसके भाई के द्वारा पकड़ कर ले जाएगा और उसके साथ गलत काम किया गया। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने दफ्तर पत्ता पर पंजीबद्ध कर लिया है, जिसमें 376D साथ में पाक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जिला माही मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के धारा 3 माही जवन आदेश दिन गा है, उसके बारे में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प बताएं कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन करे पर मामला दर्ज की जा सका था। इस समय कौनो मेयर के चुनाव के प्रचार प्रसार के चीज का ही, चाहे पोस्टर हो बैनर हो, ओका भवन के मालिक के बिना जानकारी बिना उनके आदेश के कौनो मेयर से उनके दीवार में चस्पा ना करा। नगरी निकाय के निर्वाचन के खातिर जिला स्तर में ही स्टैंडिंग कमेटी के बैठक कलेक्ट्रेट के बाढ़ सागर सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक के अध्यक्षता कई के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प कहिन के नगरी निकाय के निर्वाचन दलगत आधार में कराए जाला हमा, जोने खातिर दलन के प्रतिनिधिन के सुझाव अहम हुई और एक खातिर बैठक कीन गई ही बै। अभी अर्बन जो चुनाव घोषित हुए हैं उसको लेके स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गई है। स्टैंडिंग कमेटी में चुनाव की जो प्रक्रिया है और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। सामग्री वितरण वापसी और मतदान की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत बात की गई है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लगातार ऐसी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करते रहेंगे। जो आवश्यक आदेश हैं वो सब पारित किए जा चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि संपत्ति विरूपण की जो कार्यवाही है, संपत्ति विरूपण समाप्त करने की, उसके अंतर्गत कार्यवाही न केवल नगर निगम रीवा में बाकी अन्य अर्बन बॉडी में भी प्रारंभ हो गई है। जो शस्त्र लाइसेंस को निलंबित किया गया है उसके रेफरेंस में बड़ी संख्या में शस्त्र थानों में जमा हो रहे हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मतदान केंद्रों को तत्काल तैयार कर लिए जाएँ। चुनावन का ही ध्यान में रख के जिला कलेक्टर 1990 के अधिनियम के हवाला दे के आरोपिन का ही जिला बदर के आदेश जारी करी नहीं बै। अपने का बताई दे के कुछ छठे बदमाशन खातिर जिला बदर के आदेश दीन गा हबै, जने माही चिरहुला कॉलोनी के राजेश कुशवाहा का एक साल खातिर जिला बदर कीन गा हबै। ऐसने बैकुंठपुर के छिवला के रहने वाले का जेल से रिहा हुए के बाद एक साल खातिर जिला बदर कीन गा हबै। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प बताइन के सब शस्त्रधारी तुरंत अपन शस्त्र अपने अपने थाना में ही जमा करामा। रीमा माही यातायात थाना माही पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश सिंह का ढेकहा तिराहा माही एक स्विफ्ट कार चालक टक्कर मार के घायल कर दीस। अपना का बताए दी कि घटना के बाद स्विफ्ट सवार गाड़ी लेके फरार हुई गया। वहाँ प्रधान आरक्षक रमेश सिंह गंभीर तरीके से घायल भे हमा, जिनका यातायात DSP मनोज शर्मा और सूबेदार दिलीप तिवारी के संगे स्टाफ ले जाए के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराई नहीं बै। मान नहीं पाएगा सर जी।
प्रदेश में ही एक दर की पुन के सिगरौली जिला नंबर हो के रिकॉर्ड बनाई सी। अपना को बताई दे के तेंदू पत्ता के तुड़ाई में ही ग्रामीणन के इसाल उत्साह बहुत देखा का मिला है। अपना को बताई दी कि समय जब खेती किसानी बंद हो जाती तो खेतीहर मजदूरन के लगे कोनो काम नहीं रहे। अब वह तेंदू पत्ता के तुड़ाई लाखन ग्रामीण खातिर अब वरदान साबित हो रही है। जिला के पनवार थाना के लगे हरदौली गांव में ही छोटे लाल कोल पिता लाला कोल 38 साल के पिपरिया टोला के गांव हरदौली में ही प्राथमिक पाठशाला हरदौली से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर दिशा में ही दुई तालाबन के बीच के बनी मेड़ में ही शव मिला हवे। सलगे मामला में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए के बाद ही खुलासा हो सकी कि युवक के मौत के असल वजह का रही। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारवेंद के बघेली समाचार। नमस्कार।